कर सकते हैं करें, और बीएड और जो रिट का एग्जाम है उसके लिए हमें, हमारे पास अभी जरूर 15 दिन 12 दिन है, तो उसके लिए वापस से रणनीति बनाई जाएगी। उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि हम सरकार को कितना दबा सकें, क्योंकि ये बहुत जल्दी हुआ है। एसआई का जो एग्जाम का जो तारीख आई है, अभी 2 दिन पहले ही तो इनके कॉल लेटर घर पे आए थे, इनके परमिशन लेटर घर पे आए थे, तब से ये मुद्दा सरगर्मी, मुद्दे में सरगर्मी आई, मुद्दा उठा, क्योंकि हमें पहले नहीं मालूम था। अभी रिट और जो बीएड है वो 25 और 26 को है, आज से 15-16 दिन बाद में, तो हम उसके लिए जरूर आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। एसआई के जो भी लोग हैं, एसआई में भर्ती होने वाले, एसआई के एग्जाम देने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ, आप अबकी बार बड़ा मन रख के, दिल बड़ा करके एक बार आप जीता हो सकते हैं अपनी तरफ, इन फ्यूचर भी आपके हकों को इसी तरीके से मारा जाएगा। इसलिए आपको विरोध प्रदर्शन करना है, नो डाउट करना है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अगर विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा तो वो किसी भी व्यक्ति का ये इस स्वतंत्र, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग विरोध दर्ज कराएं। राजस्थान एसआई भर्ती को पोस्टपोन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है मांग उठाई जा रही है सोशल मीडिया पे, तो उसी से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट rkl.in पर पा सकते हैं। अगर आपको राजस्थान एसआई का एडमिट कार्ड भी चेक करना है तो भी आप हमारी वेबसाइट rkl.in पर पा सकते हैं। वी वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली जाके आप चेक कर सकते हो। और जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है, सर्च बॉक्स पर आपको आना है और यहाँ पर आपको जो है rksc SI लिख लेना है, ठीक है, और आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। जस्ट ये काम करने के बाद आपके सामने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, rksc SI की एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है गाइस। तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको एडमिट कार्ड भी चेक करने हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली जाके आप अपना एडमिट कार्ड भी चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हो कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं, ठीक है गाइस। और आने वाले दिनों में बीएड और रिट के लिए भी हम लोग लड़ेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे बकायदा। ये अब सरकारें अलग अलग, ये कोविड के नाम पे नया एक वो जो वेरिएंट आया है, वेरिएंट का क्या नाम है उसका, डेल्टा वेरिएंट के नाम पे अब जो नई गाइडलाइन जारी कर रही है कि नहीं देखो ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो सरकारों को मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप ऐसी बातों को, इस आवाज को दबा नहीं पाओगे ज्यादा दिन, स्टूडेंट की बात को आप ज्यादा दिन नहीं दबा पाओगे। हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, इस छात्र शक्ति के साथ है, छात्र देश का भविष्य होता है, हम लोग उनके साथ हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में विरोध दर्ज कराएं और बीएड और रिट के लिए हम लोग जरूर करेंगे, उसके लिए भी हम लोग आगे आएंगे और बकायदा उसको सरकार तक बात पहुंचाएंगे। और सरकारों को मैं अभी भी चेताना चाह रहा हूं, आप लोग इसको अगर पोस्टपोन करा दोगे तो काफी हजारों युवाओं के भविष्य को बचाया जा सकता है।